छात्र सेवा मित्र यानी कि यूथ इंटर्न प्रोग्राम BH2 के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आज से स्टार्ट हुए हैं, जिसका मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाया था, जिसमें आपको बताया था इसके रूल बुक के बारे में कि इसके क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं। अगर ये नियम शर्त आप भी अप्लाई करते हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमें एक लाइव बताइए कि इसमें आवेदन किस प्रकार से करना, क्योंकि पिछली बार जब आप सभी ने आवेदन किया था तो इसमें बहुत सारी त्रुटि कर दी थी, जिसके कारण आपको आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया था। परंतु मैंने आज आपको लाइव बताया है कि इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 11 टॉपिक जनसेवा मित्र से रिलेटेड, जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, क्योंकि 11 टॉपिक आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर इसमें से एक भी टॉपिक में आपने गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो सकती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु दोस्तों ये वीडियो आपके लिए सही बता रहा हूँ, बहुत कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि YouTube पर ऐसा कोई नहीं बताएगा इतनी पूरी डिटेल में, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लंबा हो सकता है, उसकी चिंता मत करिएगा, बस वीडियो में जो जानकारी दी गई उसे समझने की कोशिश करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी तक आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो ये दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं उन 11 टॉपिकों की, जो जनसेवा मित्र अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन 11 टॉपिक को आपने फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए आपका आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पहला हम बता देते हैं। ठीक है, पहले टॉपिक पर बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है, पहले आवेदन किया है, वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, तो क्या अब हमारा कुछ हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि AIGGP द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें स्पष्ट तौर से लिखा है कि सभी आवेदन न्यू करेंगे। और अगर वो आपने रूल बुक नहीं देखी है तो हमने जो वीडियो के माध्यम से आपको बताया है रूल बुक, उसमें आप जाकर देख लीजिए। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने जो PDF भेजी है रूल बुक की, उसे आप पढ़ सकते हैं। UG और PG 2020 में कंप्लीट हुआ है, हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका UG PG 2021, 2022 और 2023 में कंप्लीट होना चाहिए। इसके पहले अगर आपका UG PG कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपका PG 2 वर्ष का यदि कोई डिप्लोमा है 2021, 22, 23 में, तो आप इसमें बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। परंतु 2020 या 2020 से पहले जितने भी आपने यूजी पीजी या डिप्लोमा है वो कोई काम के नहीं है। पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड बता रहा है जब भी हम पोर्टल पर लॉग इन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वो इसलिए बता रहा है, या तो आपने पहले उसमें आवेदन किया है या आपने पहले उसमें कभी लॉग इन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अगर पहले से रजिस्टर्ड बता रहा है तो आप लॉग इन के ऑप्शन पर जाइए, वहां से अपना आईडी, आपका मोबाइल नंबर रहेगा उसे लिखिए और पासवर्ड फॉरगेट कर उसमें लॉग इन कर आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आपको कुछ आ सकती है तो आप या तो नाइट में ट्राई करिए या सुबह सुबह ट्राई करिए, जरूर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बनने के लिए उत्सुक हैं, तो वो भी फॉर्म डालने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी डाल रहे हैं। सभी की यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म डालने में तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर हमसे वो समस्या सॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि सभी को पता है कि मैं व्हाट्सएप पर लगभग 1 से 2 घंटे में आपको आंसर दे देता हूँ। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर दे देता हूँ, परंतु बाकी यूट्यूबरों की तरह नहीं कि मैं बिल्कुल आपको आंसर नहीं दूंगा। नहीं, आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा। लड़के और लड़कियां दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। और छठवां पॉइंट आपका रहेगा कि पहली बार आवेदन किया है तो उसी नंबर से आवेदन आपको नहीं डालना है। मतलब अगर आपने पहले भी इससे आवेदन किया है जनसेवा मित्र में तो उसी नंबर से आपको आवेदन नहीं करना है, कोई से दूसरे नंबर, और दूसरा नंबर ऐसा लेना है कि जो चालू हो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए उसी पर फोन आपके आपको लगाया जाएगा। ठीक है, या फिर आप बंद वाले नंबर से भी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको चालू वाला डाल देना है हटा के। ठीक है, और यहाँ पर एज आपकी 30 ईयर है तो यहाँ पर हम आवेदन कर सकते नहीं है, सातवां पॉइंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी एज 21 वर्ष से लेकर 29 वर्ष होना चाहिए, सॉरी आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और आठवां पॉइंट है 49%, 48%, 47% या 50% से कम परसेंटेज है यूजी पीजी में तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर यूजी में आपके कम प्रतिशत है 50 से और पीजी में आपके ज़्यादा परसेंटेज है तो आप बिल्कुल पीजी से फॉर्म भरिएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अगर आपके दोनों में 50% से कम है तो आप फॉर्म तो भर सकते, परंतु आपका इंटरव्यू के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा विशेष। जन सेवा मित्र के साथ साथ हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का आवेदन कर सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों मैं आप बता दूं कि इसके बारे में अभी कोई अपडेट हमको नहीं दिया गया है कि जो जनसेवा मित्र में फॉर्म डालेगा वो सीखो कमाओ में फॉर्म डाल सकता है नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको डाल देना चाहिए, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो। क्योंकि पिछली बार भी जब जनसेवा मित्र के फॉर्म डलाए थे तो लाखों लोगों ने इसके आवेदन किए थे लगभग, तो इस बार भी उससे डबल आवेदन जरूर होंगे। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप दोनों तरफ से रह जाएंगे। इसलिए आप सीखो कमाओ योजना का रजिस्ट्रेशन भी जरूर करिएगा। सीखो कमाओ योजना का रजिस्ट्रेशन 4 तारीख से चालू होगा, उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, उनकी डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको लाइव बताया था कि आवेदन किस प्रकार से भरना है, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है केवल यूजी और पीजी के आपको अपलोड करना है। आपके पास यूजी है तो यूजी के करिए, पीजी यूजी दोनों है तो दोनों के डॉक्यूमेंट की आप डिटेल वहां पर लिख दीजिए ऐड करके। और मेन बात यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके पास 4 हो 5 हो 1 हो आपको ऐड करना ही करना है क्वालिफिकेशन, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम आपकी वो एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस आपके पास जितने भी हो आपको सभी एक्सपीरियंस को ऐड करना है। और सबसे मेन और अंतिम लास्ट पॉइंट 11वां पॉइंट है, आवेदन की पीडीएफ आपको जरूर से सेव करके रख लेना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाद में आवेदन की पीडीएफ नहीं निकल पाती, तो जब भी आप आवेदन प्रिंट आवेदन फाइनल सबमिट करें पहले आपको जो है वो आवेदन नंबर का स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना है। उसके बाद जो पीडीएफ है जो आपका प्रिंट आउट है उसे जरूर से निकला देना है। और मेन बात सबसे लास्ट बात एक और बात मैं खुद से बताना चाहता हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है कि पिछली बार कई लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरवाए थे, ठीक है, ऑनलाइन की शॉप पर जाकर, तो उन्होंने क्या है कि कुछ नाम में मिस्टेक कर दी थी, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट के जो नंबर है उनको चढ़ाने में मिस्टेक कर दी थी, जिला गलत लिख दिया था। तो इस प्रकार की गलती ना हो इसलिए आप खुद से फॉर्म भरिएगा। मोबाइल है मोबाइल से फॉर्म भरिए, लैपटॉप है लैपटॉप से फॉर्म भरिए, आपके पास कंप्यूटर है कंप्यूटर से फॉर्म भरिए। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले 2 से 3 बार अच्छे से चेक करिएगा कोई गलती ना हो, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा। क्योंकि अभी करप्शन का ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया है, इसलिए आप उसे अच्छे से फॉर्म भरिएगा। करप्शन का ऑप्शन भी ज़रूर आएगा। अगर आपके कोई गलती हो गई है, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो जल्दी से मुझे कॉन्टेक्ट कर ले ताकि मैं आपको सुझाव दे सकूँ कि अब आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों मुझे इतने ही पॉइंट लगे कि आपको बता देना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाई बहनों को ये पता चल सके कि इसमें जो जो डाउट है वो सभी क्लियर हो सके उनके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो इसे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। मैं कल लाइव आने वाला हूँ 12 बजे के बाद, तो जरूर लाइव आऊंगा, आप सभी जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।